नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक काल का पद्य साहित्य, यानी आधुनिक काल में पद्य साहित्य की रचना किन कालखंडों में हुई उसकी चर्चा आज हम करेंगे। खासतौर से ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आधुनिक काल में पद रचना की प्रवृत्ति प्रधान रही है, यानी आधुनिक काल में पद साहित्य पर बहुत ज्यादा काम किया गया। आचार्य शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल रखा, परंतु गद्य काल कहने से ऐसा लग रहा था जैसे इस काल में पद की रचना न हुई हो, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। इस काल में भी पद साहित्य की रचना हुई, इसलिए यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके लिए इन काल खंडों को बखूबी यहाँ प्रस्तुत किया है ताकि आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए। जबकि आचार्य शुक्ल ने भले ही ऐसा माना कि इस काल में गद्य साहित्य की रचना हुई, लेकिन गद्य के साथ साथ पद्य साहित्य की रचना भी उतनी ही की गई। इसलिए सिर्फ ये कहना कि आधुनिक काल गद्य काल था सर्वथा अनुचित है, क्योंकि हम यहाँ जिन काल खंडों की चर्चा करने जा रहे हैं वे इस बात के साक्षी हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि पद साहित्य की रचना भी उतनी ही हुई है। यानी जो आधुनिक काल का पद साहित्य है उसे हम निम्न काल खंडों में बांटते हैं। बखूबी ये इस बात का प्रमाण है कि निसंदेह आधुनिक काल में भी पद साहित्य बढ़ चढ़ कर लिखा गया था। यहाँ जिन कवियों के नाम है यहाँ पर और इन्होंने इस पद साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं उपलब्ध कराई हैं, उनका उल्लेखनीय योगदान है हिंदी साहित्य में, और वे हैं भारतेंदु युग, यानी इस युग के सबसे प्रखर कवि में से एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद, छठा है नई कविता, सातवा है नवगीत। निसंदेह यहाँ भारतेंदु युग इसका समय 1850 से 1900 ईस्वी का है। निसंदेह यह युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस युग में जितने कवि हुए, जितने साहित्यकार हुए, जितनी भी पद्य रचनाएं रची गई, लिखी गई, उनमें सबसे प्रखर कवि के रूप में भारतेंदु का नाम लिया जाता है। इसलिए इस युग का नामकरण ही भारतेंदु के नाम पर हुआ, कि कहीं न कहीं उस युग में इनका नेतृत्व रहा, इनका आधिपत्य रहा। आधिपत्य इस लिहाज से बच्चों कि इन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की वो अद्वितीय रही होंगी। जो दूसरा द्विवेदी काल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, नहीं इनकी भी रचनाएं उपलब्ध है। जो तीसरा है छायावाद, छायावाद का समय 1920 से 1936 ईस्वी है, यानी छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुरकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चार आधार स्तंभ हैं जिन्होंने छायावाद को जन्म दिया था और इनकी रचनाएं उल्लेखनीय है हिंदी साहित्य में। निसंदेह ये मानना, ये कहना कि आधुनिक काल में पद रचनाएं कम की गई सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। साथियों, यहाँ ये जानना जरूरी है कि आधुनिक काल में भी पद साहित्य उतना ही बढ़ चढ़ कर लिखा गया जितनी की रुचि साहित्यकारों की गद्य साहित्य की तरफ थी। यहाँ मैं जिन रचनाओं की चर्चा कर रहा हूँ वे सबके सब पद साहित्य से जुड़े हुए हैं और इस बात के प्रमाण हैं, इस बात के साक्ष्य हैं कि पद साहित्य में साहित्यकारों ने अपनी कलम तोड़ी है और इससे हिंदी साहित्य समृद्ध बन पड़ा है। कतई इन रचनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन युगों के, इन वादों के जो
अलग अलग कवि हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, उनकी भी रचना स्वागत योग्य है, वे भी स्वागत के पात्र हैं, वे भी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी समृद्ध लेखनी ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। तो बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे थे छायावाद की, और छायावाद के अंतर्गत जो उनके चार प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुरकांता निराला के बारे में हमने बताया। निराला की रचनाएं भी अपने आप में है। निराला को मुक्त छंद का जनक कहा जाता है, नहीं, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद की शुरुआत उनसे होती है, और उन्होंने एक नए अध्याय को ही जन्म दिया था। इसके बाद प्रगतिवाद आता है 1936 से 1943 तक। इसके बाद प्रयोगवाद आता है 1943 से 1953 तक। इसके बाद नई कविता 1953 से 1960 तक, और इसके बाद नवगीत 1960 के उपरांत। तो ये तमाम जो कुछ कालखंड हैं, ये कालखंड हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि आधुनिक काल में पद साहित्य रचा गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हम भारतेंदु युग की यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। निसंदेह भारतेंदु के साथ ही एक नए युग का शुभारंभ होता है साहित्य के क्षेत्र में। कुछ विद्वान इसकी समय सीमा 1857 से 1900 मानते हैं, और कुछ 1850 भी मानते हैं। इसके बाद द्विवेदी युग का एक दूसरा नाम नवजागरण सुधार काल भी है, इसकी समय सीमा 1900 से 1918 लोग मानते हैं। और खास तौर से छायावाद के प्रति लोगों का जो रुझान है वो काफी है, और इस तरह से ये बात स्पष्ट है कि आधुनिक काल का जो पद साहित्य था ये निम्न काल खंडों में विभाजित है, जो हिंदी साहित्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आधुनिक काल में पद साहित्य द्वारा समृद्ध की गई हिंदी साहित्य की परंपरा को कतई झुठलाया नहीं जा सकता है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए। इसके बाद एक एक कर हम अलग अलग वादों की चर्चा करेंगे, अलग अलग युगों की चर्चा करेंगे, अलग अलग कालखंडों की चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि आखिर उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि हमने द्विवेदी युग का नाम लिया था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, निसंदेह उनके युग में भी अनेक साहित्यकार पैदा हुए थे। तो अलग अलग युगों की क्या काव्य प्रवृत्तियां रही है, उनमें कौन कौन से साहित्यकार आए, उनकी रचनाएं क्या है, इस पर भी बृहद चर्चा होगी, ताकि और भी स्पष्ट हो जाए कि आखिर आधुनिक काल का पद साहित्य का स्वरूप कैसा था, कैसी काव्य प्रवृत्तियां थी, लोगों की मानसिकता कैसी थी, समाज का परिवेश कैसा था, देश काल और परिस्थितियां कैसी थी। क्योंकि जब साहित्य सृजन का काम होता है तो निसंदेह उस पर देश काल और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। और आज की पृष्ठभूमि में भी यह देखने को मिलता है, आज भी यदि साहित्य रचा जाता है उस पर देश काल और परिवेश का प्रभाव पड़ता ही है। हर काल हर समय जो भी रचनाएं रची जाती है उस पर समसामयिक परिस्थितियों का प्रभाव देखा जाता है। ये समय की ऐसी गुणवत्ता है जिसे कोई भी साहित्यकार विलग नहीं हो सकता, दूर नहीं जा सकता, उसे इस बंधन से गुजरना ही पड़ता है, इस बंधन में उलझना ही पड़ता है, फिर भी वह अपनी कलात्मक अनुभूतियों के द्वारा इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करता है। तो निसंदेह साथियों, इस वीडियो में मैंने
प्रमुख रूप से ये बताने का प्रयास किया कि आधुनिक काल में भी पद्य साहित्य की रचना हुई गद्य के साथ साथ, इसलिए पद्य साहित्य की जो समृद्धि है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं स्वागत योग्य है, न कि विस्मृत करने वाली बातें हैं। निसंदेह ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और पुनः दूसरे वीडियो में मैं एक एक युग और उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करेंगे, क्योंकि इतनी चर्चाओं के उपरांत तो शेयर का हक तो बनता ही है, सब्सक्राइब का हक तो बनता ही है। धन्यवाद।